बातें तो नहीं होती, लेकिन ज़रूरी मालूमात होती है ये, इसका आपको अच्छे से ध्यान में रखना और सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्वर आरोह अवरोह, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर, और टोटल कितने स्वर होते हैं, इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा, ये शुद्ध स्वर हो गए, और ये सात स्वर हैं, वो सात सा को तार सप्तक का सा है, इसलिए सा रे ग म प ध नि, ये सात स्वर हो गए। सा नि ध प म ग रे सा, जैसे कि सा रे ग म प ध नि आरोह हो गया, सा नि ध प म ग रे सा अवरोह हो गया, और कोमल स्वर रे ग ध नि, इसके नीचे ये रेश जो लकीर खींची गई है इसकी ये पहचान है, और तीव्र स्वर म होता है, बस एक ही होता है, और इसके नीचे एक रेश होती है, या फिर दोनों में से कोई भी एक रेश ऊपर की या नीचे की, इसकी ये पहचान है, और ये सब मिलाकर ये टोटल 12 स्वर होते हैं। सा रे रे ग ग म म प ध ध नि नि, एक दो तीन चार, ये कोमल स्वर हो गया, और ये एक तीव्र स्वर, ये तो हो गया। इसको अच्छे से याद भी कर लो, और जो है तो आज ये सारे गमों को ध्वनि का व्यंजन पे कैसे बजाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बैंजो ये तो देखो, ये देखिए अब मेरा बैंजो जो है ये मेन तार जो शार्प बोलता है सब में ज़्यादा, और ये बेस, ये दो बेस हैं, ये तीन नंबर वाला तीन नंबर बेस और ये पांच नंबर बेस, और ये मेन तार एक, और इसमें एक झाला होता है, इसमें चार तार होते हैं, और ये सुर मंडल, इसका जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और मेरा जो बैंजो है ये सातवीं सा का है, जो मैं यहाँ से बजाता हूँ, कोई भी सॉन्ग बजाना है, कोई भी गाना बजाना है तो मैं यहाँ से बजाता हूँ, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सातवीं सा, तो यहाँ से मैं कोई भी स्वर लगाता हूँ और यहीं से बजाता हूँ। आगे आपको हर चीज़ इसकी बैंजो की मालूमात बताऊँगा, जैसे कि अभी ये हाथ और ये हाथ दोनों भी चलना बहुत जरूरी है, दोनों एक साथ चलना जरूरी है, जैसे कि अभी आगे पीछे हो जाएगा तो आपको परेशानी होगी और मजा भी नहीं आएगा बैंजो बजाने में। सारे गमा बजाने के लिए आपको एक जो टेम्पो का उसका आवाज़ बढ़ाओ थोड़ा, इसका जो आपको आवाज़ आ रहा है ये टेम्पो टाइमिंग, इसके हिसाब से अगर आप सरगम बजाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी गाने बजाने में, सॉन्ग बजाने में। जैसे कि अभी डबल में भी बजा सकते हैं, जैसा आपको बजाना है बजा कर आसानी से आप बैंजो सीख सकते हैं। अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द आपके लिए बनाऊंगा, देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। चलो।